हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर किचन ब्लॉग्स। होप सो आप सारे के सारे ठीक होंगे। तो आज हम बना लेंगे आलू से ऐसी चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी, जो आपने खाई तो होगी लेकिन इस अंदाज में नहीं खाई होगी, न ही बनाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार होगी, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये खूब पसंद आएगी। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से है सॉफ्ट। तो देखिए, मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हमने कद्दूकस कर लेना है। ये रेसिपी फ्रेंड्स फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे, फटाफट से रेसिपी बना ले। आप इन्हें इस तरह से बना के रख सकते हैं और बाद में इन्हें फ्राई कर सकते हैं। जैसे सुबह हमें जल्दी होती है काम की, तो हम इनको शाम को बना के रख लेंगे फ्रिज में किसी डब्बे में स्टोर करके, और सुबह हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, आलू को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने से क्या होता है, इसमें कोई लम्स नहीं होती और हमारी जो पिट्ठी है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो उसमें डाल दिया हरा धनिया, थोड़ी सी गर्म मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। मिर्च आप कम खाते हो तो कम डालें। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा डाल देंगे काला नमक, थोड़ा सा डाल देंगे अमचूर पाउडर, और इन सबको हमने करने लाया मिक्स। आप चाहे तो इसमें थोड़ा भुना जीरा भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मसाले डालने के बाद इनको कर लेंगे मिक्स और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, डो में हमारे अच्छे से मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने थोड़े हाथ पे घी या ऑयल लगा लेना है और फिर इसको हमने टिक्कियाँ बना लेनी है आलू की। देखिए, इस तरह से एक बड़ी सी बोल लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसकी टिक्की बना लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा चावल का आटा भी मिला सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी सारी टिक्कियाँ बना लेनी हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, टिक्कियाँ हमारी बन के हो चुकी है तैयार। अब इनके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च या अरारोट या चावल का आटा। इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर लेनी है और फिर इसको अच्छे से झाड़ लेना है, ताकि इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। एक्स्ट्रा जो भी हमारी, जो आप चावल का आटा या कॉर्न स्टार्च कुछ भी डालें, उसे अच्छे से झाड़ लें इसके ऊपर से। एक बार लगाने के बाद कोटिंग क्यों करेंगे, ताकि हम फ्राई करेंगे तब ये हमारे इसमें तेल में या घी में चिपके ना। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर कॉर्न स्टार्च की कोटिंग कर ली है और इसको अच्छे तरह से झाड़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा इस पर कॉर्न स्टार्च लगा होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखिए, इस तरह से मैंने टिक्कियों के ऊपर कॉर्न स्टार्च लगा कर साफ़ कर लिया। अब इनको मैंने घी में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। इसे हम मीडियम टू स्लो गैस पे फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ पैच पे करेंगे तो हमारी टिक्कियाँ जल जाएंगी। तो इसे धीरे धीरे पकने, ताकि ये ऊपर से अच्छी क्रिस्पी हो जाए। इसे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे अच्छे से अब सिकने में। तो इसे टर्न करते हुए अच्छे से सेक लेंगे और इसी तरह से हमने सारी टिक्कियों को सेक लेना है। इन्हें सेकने में जल्दबाजी ना करें, इन्हें धीरे धीरे ही सेकने दें, ताकि हमारी जो ऊपर से टिक्कियाँ अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। गैस को मीडियम टू स्लो ही रखें। तो देखिए, दिखने में तो सुंदर लग रही है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेंगी ये। तो इन्हें धीरे धीरे पकने देते हैं। इसे एक दो बार टर्न कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से सिक जाए।
ये ऊपर से अच्छी सी क्रिस्पी हो चुकी है। तो देखिए आलू की टिक्की सीककर हमारी हो चुकी है तैयार। इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ सेक लेनी है। तो तैयार है हमारी मज़ेदार और स्वादिष्ट आलू की टिक्कियाँ। इसे आप सॉस के साथ खा सकते हैं, आप चाहे तो दही के साथ भी खा सकते हैं, या इनके ऊपर सेव वगैरह डाल के भी खा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे खा सकते हैं। लेकिन ये खाने में काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे। बच्चों को तो खूब पसंद आती है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खूब पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।